लोग उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। सो दोस्तों, आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है और ये वीडियो होने वाला है पाक मीडिया शॉक, मुस्लिम वुमेन टाइड राखी टू पीएम नरेंद्र मोदी जी। तो मोदी जी को हर साल कोई ना कोई ऐसी लेडी होती है जो उनको राखी बांधती हैं, और मोदी जी भी इतने दयालु, इतने बड़े दिल के हैं कि वो हर किसी का दिल रख लेते हैं। कोई पाकिस्तान से राखी भेजती हैं बहन, तो कोई जो है अपनी कंट्री से ही आ जाती हैं उनको राखी बांधने, और मोदी जी भी आके अपनी कलाई कर देते हैं और उनको आशीर्वाद भी देते हैं। तो जल्दी से चलते हैं, देखते हैं इस खूबसूरत से मोमेंट को। एक मुस्लिम लड़की, आजकल ट्रेंड निकल आया है कि मुस्लिम लेडीज जो है वो आज राखी बांध रही हैं और ये एक फेस्टिवल को सेलिब्रेट कर रही हैं और इसको एक्सेप्ट भी करती है, मानती नहीं है। तो ये बहुत ही जबरदस्त चीज है। तो जल्दी से चलते हैं और देख लेते हैं इस वीडियो को, और इसमें वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यस, हियर वी गो। गुजरात से उमर जहां पहुंची है दिल्ली, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना भाई मानती है और उनके राखी बांधती है। फिर मौका आया है कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कलाई पर राखी बांधेंगी। जैसे कि भारत में खास धर्म के अंदर कितना ज्यादा सेलिब्रेशन की जाती है, छोटे सनातन धर्म है ही इस तरह का कि यार उसमें रक्षाबंधन क्या है, छोटा सा इवेंट है ना, जिस रक्षाबंधन है आज इंडिया में। और प्राइम मिनिस्टर मोदी की स्पीच, जिसने अपनी स्पीच में उन्होंने बोला है कि हर मिशन में हम औरतों को जो है वो सबसे आगे रखेंगे और उनके लिए स्पेशल काम करेंगे, ना सिर्फ हिंदू औरतों के लिए बल्कि मुसलमान औरतों के लिए भी। हमेशा हमारे भारत के प्रधानमंत्री मुस्लिम पसमानदा बेटियों के लिए भी हमेशा बात करते हैं। क्योंकि मैं मुसलमान हूँ इसलिए मैं ये बात जरूर कहूंगी। महिलाएं पीएम मोदी के कटआउट को राखी बांध रही हैं और ये हर साल की परंपरा है। मोदी जी के कटआउट को राखी बांधी जाती है और फिर मिठाई पेश की जाती है। इस रक्षाबंधन की खूबसूरती क्या है, क्योंकि भाई बहनों का इवेंट है, और अगर पाकिस्तान के मुस्लिम इवेंट की बात करें तो भाई बहनों के कोई इवेंट नहीं आते। हमारे रिश्तेदार की बेटियां भी हमारी बहनें ही होती हैं, ठीक है, तो हमारी वो कजन सिस्टर्स ही कहलाती हैं, हमारी शादियां नहीं होती। कहूंगी कि इस चीज की, इस भाई बहन की खूबसूरती का रिश्ता ये मुसलमान कभी नहीं समझे। अब आप बोलिएगा कि क्यों ऐसा मैम आप बोल रहे हैं, भाई हमारे यहाँ तो चचेरा ममेरा बचपन से लेकर के भैया बोलते हैं, बाद में सैया बोल करके कपड़ा खोल देते हैं निकाह के बाद। बड़े फेमस यूट्यूबर है, फीमेल यूट्यूबर पाकिस्तान से, उन्होंने ऑन कैमरा कहा कि हमारे घर वाले हमारे सगे भाई के साथ भी घर पे नहीं छोड़ते अकेला, इससे आप अंदाजा लगा रहे। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, सनातन परंपरा के अनुसार आज रक्षाबंधन है और आज पूरी दुनिया में जो सनातन को मानते हैं वो उनकी बहन जो है वो भैया जो अपने भैया को राखी बांध रहे होंगे, और ये पूरी दुनिया में चली आ रही है, सदियों से चली आ रही है सनातन जब से है। तो इसको लेकर जब आज पीएम मोदी को बहुत छोटे से लेके बड़े बहनों तक उन्होंने राखी बांधा है, जिसमें मुस्लिम बहनें भी शामिल है, जो कि एक बड़ी बात होती है, और बहुत सारे मुस्लिम बहनें हैं जो जाके उनको राखी बांधे, और कुछ मुस्लिम बहनें जो नहीं जा पाए उनको राखी भेज दिया है। एक बहुत ही बड़ा मतलब ये दिन है कि मुस्लिम बहनें भी आगे आकर मतलब हमारे प्राइम मिनिस्टर को राखी बांधे। लेकिन इसको लेकर अगर पाकिस्तान में बात किया जाए तो पाकिस्तान में भाई बहनों का रिश्ता क्या है, हम आए दिन सोशल मीडिया में देखते रहते हैं, वहां पर तो माँ बेटी की रिश्ता भी बहुत ही पवित्र हो गया है। मैं क्या कहने की मतलब कोशिश कर रहा हूं आप समझ रहे होंगे। तो इसको लेकर पाकिस्तान मीडिया में अब रिसर्च चला है कि भाई देखिए पीएम मोदी को मुस्लिम महिला ने भी राखी बांधा, लेकिन हमारे यहां पर रक्षाबंधन क्या है हम लोग जानते भी नहीं है। चलिए वीडियो देखते हैं, मैं मिलता हूं वीडियो के एंड पर। रक्षाबंधन है आज इंडिया में और प्राइम मिनिस्टर मोदी की, जिसने अपनी स्पीच में उन्होंने बोला है कि मैं अपनी भारतीय बहनों के लिए सोच रहा हूँ, उनकी आसानी के लिए सोच रहा हूँ। देखिए, भारत के प्रधानमंत्री ने पिछले 9 साल में अपने मैसेजेस में ये बात बताई है कि उन्होंने शिक्षा पर बहुत ध्यान दिया है, उन्होंने युवाओं पर बहुत ध्यान दिया है, उन्होंने हमारे इम्प्रूवमेंट पर, हमारे डेवलपमेंट पर बहुत ध्यान दिया, और साथ ही साथ हमेशा हमारे देश की महिलाओं को उन्होंने सर्वोप्रिय और सर्वप्रथम रखा है। हमेशा हमारे भारत के प्रधानमंत्री मुस्लिम पसमानदा बेटियों के लिए भी हमेशा बात करते हैं। क्योंकि मैं मुसलमान हूँ इसलिए मैं ये बात जरूर कहूंगी, और थोड़ा विस्तार में डिटेल में कहना चाहूंगी कि अब ये हमारे भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी हैं जिन्होंने भारत की मुसलमान महिलाओं को 3 तलाक से मुक्ति दिलाई। ये वही भारत के प्रधानमंत्री हैं जो नए कानून के जरिया हमारी बेटियों को और भी सेफ और सिक्योर करने की पूरी कोशिश में लगे हुए हैं। ये यही भारत के प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने हमारे हिंदुस्तान की तमाम महिलाओं के लिए शौचालय योजना निकाला और गांव ग्राम में रहने वाली तमाम महिलाएं खेतों में जाने की उनको जरूरत नहीं पड़ रही है। देखिए, इस रक्षाबंधन का बहुत खूबसूरत तोहफा तो भारत के प्रधानमंत्री जी ने, हमारे भारत के प्रधानमंत्री जी ने इसरो की तमाम वैज्ञानिक महिलाओं को कुछ दिन पहले ही दे डाला था कि जिस चांद पर हमारा विक्रम लैंडर जो रोवर लैंडर जो वहां पर लैंड किया था उस स्पॉट को ही उन्होंने शिव शक्ति का नाम दे दिया था। शक्ति का मतलब होता है वुमेन एम्पावरमेंट। तो जो इतनी सारी वैज्ञानिक महिलाएं इसरो में काम कर रही थी उनको एक रक्षाबंधन का बहुत खूबसूरत तोहफा उन्होंने दिया कि चांद का वो स्पॉट ही उन्होंने वुमेन एम्पावरमेंट के नाम पर दे दिया। कहूंगी कि इस चीज की, इस भाई बहन की खूबसूरती का रिश्ता ये मुसलमान कभी नहीं समझे।
अब आप बोलिएगा कि क्यों ऐसा मैम आप बोल रहे हैं, भाई हमारे यहाँ तो चचेरा ममेरा बचपन से लेकर के भैया बोलते हैं, बाद में सैया बोल करके कपड़ा खोल देते हैं निकाह के बाद। तो अगर दूर से भी कोई बहन है तो वो बहन है, अगर कोई राखी की बहन है तो भी वो बहन है, फिर वो बहन के अलावा कुछ हो ही नहीं सकती है। निम्रा आप लोगों ने कभी भी हिंदू धर्म और सनातन धर्म को पढ़ा नहीं है, उनकी किताबें नहीं पढ़ी हैं इसलिए, और ना ही कभी क्लोज में रहे हैं इसलिए जो सनातन और हिंदू धर्म में रिश्तों की मर्यादा, रिश्तों के बैरिकेड, रिश्तों की खूबसूरती, रिश्तों के जो एक इमोशनल जो एक अटैचमेंट होता है वो आप लोगों को नहीं पता है। रक्षाबंधन एक स्ट्रॉन्गली बॉन्ड माना गया है सनातन धर्म के हिसाब से, जो भाई और बहन के अटूट रिश्ते को दिखाता है। भगवान कृष्ण और उनकी बहन द्रौपदी के मोहब्बत को जिस तरह से दर्शाया गया है, जिस तरह से दिखाया गया है, जिस तरह से बताया गया है सनातन धर्म में, आप अगर सुनेंगी, आप अगर देखेंगी, आप अगर पढ़ेंगी तो आप इतनी इमोशनल हो जाएंगी कि आपकी आंखों में पानी आ जाएगा। जो भाई बहन की जो मोहब्बत दिखाई गई है भगवान कृष्णा और द्रौपदी की, तो ये चीजें मुझे लगता है निम्रा के मुसलमान नहीं समझ पाएंगे इस इमोशन को, इस मोहब्बत को, इस अटूट रिश्ते को, इस रिश्ते की खूबसूरती को, इस रिश्ते के मर्यादे को, इस रिश्ते के बंधन को, इस रिश्ते के की इज्जत को, इस रिश्ते के रुतबे को, इस रिश्ते के रिस्पेक्ट को, ये मुसलमान कभी नहीं समझ सकते, कभी नहीं। ये जो भाई बहन का रिश्ता है, ये जो रक्षाबंधन का रिश्ता है, ये सिर्फ और सिर्फ सनातनी समझ सकते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने अपने पूर्वजों में, क्योंकि उन्होंने अपने धर्म की किताबों में, क्योंकि उन्होंने अपनी देवी देवताओं में, क्योंकि उन्होंने अपने गॉड और गॉडेस में इस रक्षाबंधन को बहुत खूबसूरत बंधन के तौर पर देखा है। अगर हम बात करते हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी की, तो ये एक बहुत बड़ा कदम है कि जो हम देख रहे हैं कि हर मिशन में उन्होंने ऐलान किया है कि हर मिशन में हम औरतों को जो है वो सबसे आगे रखेंगे और उनके लिए स्पेशल काम करेंगे, ना सिर्फ हिंदू औरतों के लिए बल्कि मुसलमान औरतों के लिए भी। मुसलमानों को समझाना मुमकिन नहीं, नामुमकिन है, क्योंकि वो अपनी फ्लेक्सिबिलिटी और अपने अपने मतलब सुविधाओं के हिसाब से वो इस्लाम को मोल्ड करते हैं, इस्लाम को फ्लेक्सिबल करते हैं, जहां जहां पर अपनी मर्जी से हर चीज ये बना लेते हैं, फॉलो नहीं करते, जिनको अनफॉर्चुनेटली पढ़ते भी नहीं है। और पहली बार मैं पाकिस्तान के हिंदू भाइयों के लिए एक तोहफा लेकर के आई हूँ, और मैं पाकिस्तान के हिंदू भाइयों को मेरी तरफ से ये राखी गिफ्ट कर रही हूँ। हैप्पी रक्षाबंधन। जितने भी मेरे पाकिस्तान में हिंदू भाई हैं, मैं जानती हूँ कि वो बहुत अत्याचारित है, मैं जानती हूँ कि वो बहुत डिप्राइव है, मैं जानती हूँ कि वो खून के आंसू रो रहे हैं, मैं जानती हूँ कि उनको वहां पर इज्जत नहीं मिल रही है, मैं जानती हूँ। लेकिन ये बहन जो हिंदुस्तान में बैठी हुई है, इसके दिल में दर्द मेरे पाकिस्तान हिंदू भाइयों के लिए बहुत ज्यादा है, पाकिस्तान के हिंदू भाइयों के लिए सिर्फ बहुत ज्यादा है। तो मेरी तरफ से ये रक्षाबंधन मैं बांध रही हूँ पाकिस्तान के हिंदू भाइयों को, कि अब और जाने मेरे हिंदू भाइयों की पाकिस्तान में ना जाए, उनको बंगोलियों से ना उड़ाया जाए, उनकी मंदिरों, उनकी आस्था की जगह को बंगोलियों से ना उड़ाया जाए। सनातन धर्म के लोगों के साथ जब कोई अत्याचार होता है तो मेरी आंखें रो देती हैं, मेरा दिल रो देता है। हाँ जो ये है इस तरह के, तो कोई ऐसे इवेंट्स ऑर्गेनाइज भी नहीं करवाया जाता पाकिस्तान में हिंदू कम्युनिटी के लिए। अगर हम बात करें, आज रक्षाबंधन है, सबको पता है रक्षाबंधन है। मैंने आज ही अभी थोड़ी देर पहले एक मतलब हिंदू लड़के से बात की, तो उसका कहना था, मैंने कहा लाहौर में ऐसा कोई फंक्शन हो रहा है, तो उसने कहा कि नहीं बड़े लेवल पे तो नहीं होता, सब अपने अपने हिसाब से कर लेते हैं, तो ऐसा क्यों? तो पाकिस्तान की तो बात ही छोड़ देना, इसका तो पूरी दुनिया को ही पता है कि क्या केस है, इट्स अ नट केस प्रोसेस है, यही तो इंडिया की सॉफ्ट पावर है। और फिर दुनिया में आप किसी भी रिलीजन का मुझे एक फेस्टिवल बता दें, चाहे वो दुनिया में किसी भी फेथ आइडियोलॉजी का हो, ठीक है, किसी भी फेथ से बिलोंग करता हो, जो इतना कलरफुल हो, जिसमें भक्ति प्रेयर प्लस आपका फन एक्टिविटी और ये एक्स वाई जेड डांस म्यूजिक वगैरह हर चीज हो, जो आप वो जो लोगों इस रक्षाबंधन की खूबसूरती क्या है, क्योंकि भाई बहनों का इवेंट है, और अगर पाकिस्तान के मुस्लिम इवेंट की बात करें तो भाई बहनों के कोई इवेंट नहीं आते, तो इसकी क्या खूबसूरती और इसकी क्या चीज है जो कि इंस्पायर करती है, भाई बहनों की मोहब्बत को बढ़ाती है? देखें भाई बहनों का तो मैं एक चीज में और क्लियर करता चलूं, हमारे रिश्तेदार की बेटियां भी हमारी बहनें ही होती हैं, ठीक है, तो हमारी वो कजन सिस्टर्स ही कहलाती हैं, हमारी शादियां नहीं होती। इसके देखें एक तो वुमेन एम्पावरमेंट झलकती है, भाई बहन का प्यार दिखाई देता है, प्लस इसके अंदर ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ना कि सिस्टर जो है वो दुआ मांगती है, प्रे करती है फॉर द प्रॉस्पेरिटी सक्सेस एंड हेल्थ ऑफ हर ब्रदर, और जो भाई को राखी बांधा जाता है वो इसलिए बांधी जाता है कि ब्रदर विल ऑलवेज प्रोटेक्ट हर सिस्टर एंड हर इंटरेस्ट, वो चाहे कैसे भी इंटरेस्ट हो, कैसे भी प्रोटेक्शन हो, जरूरी नहीं है। एक तो हमारे दिमाग में प्रोटेक्शन सुन के लड़ाई मारदाड़ वो वाला हिसाब किताब आ जाता है, प्रोटेक्शन हजार किस्म की होती है, ठीक है, तो वो हजार किस्म की प्रोटेक्शन इसके अंदर इंक्लूड हो जाती है। तो हर रिलेशन को सेलिब्रेट करना भी एक वो है। और बात रही कि पाकिस्तान में बड़े फेमस यूट्यूबर है, फीमेल यूट्यूबर पाकिस्तान से,
उन्होंने ऑन कैमरा कहा कि हमारे घर वाले हमारे सगे भाई के साथ वीडियो, और आपने देखा कि ये रक्षाबंधन का एक ऐसा खूबसूरत सा त्यौहार होता है जो कि लोग सेलिब्रेट करते हैं, और जो है एक ब्रदर एंड सिस्टर का जो रिलेशन होता है उसको एक फील किया जाता है। तो ये एक बहुत अच्छी बात है, और मैं ये समझती हूँ कि जो ये ब्रदर एंड सिस्टर का रिलेशन है, हमारे यहाँ पर नॉर्मली ये शो किया जाता है कि भाई कजन्स जो हैं बेसिकली दे ऑल आर ब्रदर एंड सिस्टर, वो एक होता है इस तरह का कॉन्सेप्ट होता है। लेकिन ये चीज़ वाकई में ही थोड़ा सा चीप लगती है, जो कजन सिस्टर कजन्स वाला जो मैरिज सिस्टम होता है ना, मुझे लगता है कि ये वाकई में ही ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि आप स्टार्टिंग से जब आप एक वर्ड बोल रहे हो, ठीक है, तो आप या तो वो वर्डिंग यूज होनी नहीं चाहिए। अगर आप बचपन से ये चीज़ शो कराते हो कि ठीक है ही इज़ माई ब्रदर या फिर ही इज़ योर ब्रदर, ओके सो कॉल हिम ब्रदर, तो आप ब्रदर सिस्टर बचपन से बुलवा रहे होते हो, और देन फिर आप उनका रिलेशन करवा देते हो, तो बाद में वो फिर एक अलग ही सिनेरियो बन जाता है। तो समटाइम गर्ल्स यही सोचती होती हैं या फिर सोचते हैं कि यार ये क्या, मतलब कि अब वो एक माइंड एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा होता। तो मुझे ये लगता है कि ये एक चीज़ बहुत गलत है कि आप ब्रदर सिस्टर बोल रहे हो देन फिर आप उनकी मैरिज कराओ, तो ये थोड़ा सा अजीब सा फील होता है। तो ये इस लिहाज से मुझे लगता है कि जो सनातन में जो है कॉन्सेप्ट कि वहाँ पर कजन्स के साथ नहीं होता, तो वो एक अच्छी बात है, एक अच्छा अच्छी बात है कि आप जो है इस तरह की कोई भी एक्टिविटीज ऐसी बंदा करे ही ना जो आपको बाद में फील हो कि यार ये चीज सही नहीं है, ठीक है। और उसके बाद अगर हम मोदी जी की बात कर लें, तो ये एक बहुत ही खूबसूरत सा मोमेंट है कि आप एक लेडी हैं, उनको उनसे आप कलाई पे एक प्राइम मिनिस्टर जो है वो राखी बंधवा रहे हैं, और उनको इतना प्यार, उनको इतना रिस्पेक्ट दी जा रही है। तो इससे बड़ी और क्या खुशी की बात हो सकती है कि एक प्राइम मिनिस्टर जो है वो अपने लोगों में इतने घुल मिल जाते हैं, उनके साथ मिलजुल कर रहते हैं, उनसे मोहब्बत अपनी शो करते हैं, इतने डाउन टू अर्थ हैं कि टू बी ऑनेस्टली समटाइम मैं ये सोचती हूँ कि यार ऐसे नाइस पर्सन है कि वो हमेशा अपनी पब्लिक के बारे में सोचते हैं। तो एनीवेज फ्रेंड्स, यहीं पे हम वीडियो को एंड करते हैं। इसके ऊपर आप क्या कहेंगे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। बाकी ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ पे अब सोच आहिस्ता आहिस्ता लोगों की चेंज हो रही है, लेकिन ज्यादातर विलेज में जो लोग हैं ना वो इस तरह की कॉन्सेप्ट में होते हैं कि नहीं नहीं आउट ऑफ कास्ट हमने नहीं करनी है, हमने आउट ऑफ रिलेटिव्स भी नहीं करने, हमने अपने रिलेटिव्स में ही रिलेशंस करने हैं, और जो है सारा जो भी सिस्टम है। लेकिन कभी भी लोगों का माइंड इस तरह का बना हुआ है, तो मैं ये समझती हूँ कि इस कॉन्सेप्ट को चेंज हो जाना चाहिए। सिटीज में तो हो चुका है, अब विलेजेस में भी ये कॉन्सेप्ट चेंज हो जाना चाहिए, इस पे एक रूल्स होने चाहिए लागू, ताकि जो है इस पे कोई अब लॉ होना चाहिए, जिसपे लॉ से ही होता है कि आपको फाइन होना चाहिए कि भाई जेल होनी चाहिए, जिससे लोग जो है इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा साइड पे हो सके। तो इस पे आप क्या कहेंगे कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, टिल देन टेक केयर, लव्स ऑफ।